तो रोटेशन में अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जब कोई पार्टिकल कोलाइड करता है किसी रिजिड बॉडी से तो क्या होता है. कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिजिड बॉडी. तो जैसा कि आप यहां फिगर में देख सकते हैं कि एक रॉड है और ये रॉड का एक एंड जो है यहां पर हिंज किया हुआ है ना. ये जो है ये वाला एंड हिंज किया हुआ है इसका. और कोई पार्टिकल जो कि यू वेलोसिटी से आ करके रॉड से टकराता है तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जा सकते हैं. When axis is fixed, axis fixed का मतलब कह सकते हैं कि ये hinge किया हुआ है. Body जो है अगर hinge किया हुआ है तो उसका axis of rotation fix हो जाएगा. तो उस केस में क्या क्या concept apply किए जा सकते हैं. पहला concept जो होगा अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट मीन्स हिंज. तो हिंज को एक्सिस मान करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन निकालेंगे सिस्टम का. सिस्टम का मतलब हुआ यहां पर पार्टिकल प्लस रॉड दोनों मिला करके जो है सिस्टम बनेगा और दोनों का एंगुलर मोमेंटम हमें काउंट करना पड़ेगा कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद. ठीक. अच्छा जो दूसरा है कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करेंगे अप्लाई फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट मीन्स ई इज इक्वल टू माइनस वी टू माइनस वी वन बाई यू टू माइनस यू वन. ये फॉर्मूला अप्लाई करना है लेकिन अप्लाई करते टाइम में ध्यान रखना है कि इसको एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर ही अप्लाई करना है. मतलब कि ये जिस पॉइंट पर पार्टिकल टकराएगा है ना, सपोज इस पॉइंट पर टकराता है तो इस पॉइंट पर ही हमें जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी तो u ले लेंगे, रॉड की वेलोसिटी किसकी लेंगे. तो रॉड का ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इफेक्ट है ये वाला, इस पॉइंट की वेलोसिटी लेनी है हमें, है ना, ये ध्यान रखना है. अच्छा थर्ड कॉन्सेप्ट जो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे वो है अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन इफ कोलिजन इज इलास्टिक. ठीक. अच्छा दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस जो है वो ये है कि जब एक्सिस जो है वो फिक्स्ड नहीं है. मतलब व्हेन बॉडी इज फ्री टू ट्रांसलेट एंड रोटेट, दोनों काम करने के लिए फ्री है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे. तो उस केस में हम लोग एक पहले फिगर से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कैसा हो सकता है. सपोज ये एक रॉड है और ये रॉड जो है हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पर.
तो एक पार्टिकल जो है ये आ करके यहाँ पर कहीं यू वेलोसिटी से टकराता है ना। रॉड का सेंटर यहाँ पर है, इसका मास एम, लेंथ एल, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रॉड इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, अब इसमें जो है हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसा इसलिए देखेंगे जो ऊपर वाला केस था, ये इस केस में हिंज एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता था यहां पर, और जब एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। इसलिए फर्स्ट केस में जब हिंज किया गया हो तो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा, लेकिन जो सेकेंड केस है इसमें कहीं भी हिंज नहीं किया हुआ, तो अगर पार्टिकल को और रॉड को दोनों को सिस्टम मान लिया जाए तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो पूरा सिस्टम है सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है ना, फॉर सिस्टम ऑफ रॉड एंड पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, जरूरत हो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कहां अप्लाई करेंगे, एट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, और अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, इफ कोलिजन इज इलास्टिक अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। है ना, तो ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि एक्सिस फिक्स्ड हो और दूसरा जिसमें कि फ्री हो ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये दोनों केस का हम लोग एक एक एग्जांपल्स देखेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। इसमें हमें एक रॉड दिया गया है, जिस रॉड का मास है कैपिटल एम और लेंथ है एल। तो इसके लोअर एंड पर, अपर एंड इसका हिंज किया हुआ है और लोअर एंड जो है यहां पर एम मास का, स्मॉल एम मास का एक छोटा सा पार्टिकल यू वेलोसिटी से टकराता है। टकराने के बाद रॉड किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगेगा और पार्टिकल जो है ये वी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये कह सकते हैं, इफ कोलिजन बिटवीन रॉड एंड पार्टिकल इज इन इलास्टिक का मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है सपोज ई दिया हुआ है, देन
find angular velocity of rod just after collision. ठीक, तो हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें एक्सिस फिक्स्ड है तो हम लोग क्या पहला वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. जब एक्सिस फिक्स्ड होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. तो जब कोलिजन से पहले सिर्फ पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम था, रॉड के पास नहीं था, और पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये हो जाएगा एम यू एल. ठीक है, और तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया एम यू एल, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, रॉड का कोई एंगुलर मोमेंटम अभी नहीं है. और कोलिजन के बाद देखेंगे यहां पर रॉड जो है प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री आई इंटू ओमेगा, प्लस ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल भी सपोज वी वेलोसिटी से अभी जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम चूंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो एम वी इंटू एल ये हो जाएगा. ये हो गया पहला इक्वेशन. फिर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ये होता है माइनस वी टू माइनस वी वन बाई यू टू माइनस यू वन, है ना, या जो है तो ऐसा कर सकते हैं कि या डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, या तो सबकी वेलोसिटी इंडिविजुअली रखा जाए इसमें, या डायरेक्ट अगर रिलेटिव वेलोसिटी पता हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रख सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कोलिजन से जस्ट पहले कि जो रॉड का एंड है ये तो रेस्ट पर है और ये यू से जा रहा है, तो इनकी अप्रोच वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू, है ना, एक यू से जा रहा है एक रेस्ट पर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा यू. तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जगह पर रखेंगे यू. अच्छा, उसके बाद फिर से यहां देखेंगे आफ्टर कोलिजन, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एंड है रॉड का ये इधर चल रहा होगा ओमेगा इंटू एल से और ये जा रहा है वी से, तो इस बार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस वी, ओमेगा एल माइनस वी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन आएगा ओमेगा एल माइनस वी इज इक्वल टू ई इंटू यू. तो ये दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, और अननोन कितने अपने पास, अननोन भी दो है, एक तो वी और दूसरा ओमेगा. तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं सोल्विंग these two equations we will get omega is equal to 3 mu into 1 plus e divided by 3 m plus capital m into l. तो ये angular velocity आ गया, और अगर जरूरत हो तो v जो है पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी भी यहां से
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम एक और एग्जांपल करेंगे। इसमें एक्सिस जो है वो फिक्स नहीं है, जो एक्सिस है वो ट्रांसलेट करने के लिए फ्री है ना। तो इसमें हमें एक दिया गया है रॉड जिसका कि मास है 2m, इसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर, टोटल लेंथ इसका है l। अच्छा, एक पार्टिकल है m मास का जो कि इधर से किसी वेलोसिटी v नॉट से जाता है और यहां पर एंड पर टकराता है। टकराने के बाद वो रुक जाता है ना। ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, है ना। और ये रॉड जो होगा किसी वेलोसिटी v से या vcn से ये आगे की तरफ जाएगा, है ना, और साथ में ये ओमेगा से रोटेट भी करेगा। ठीक, तो हमें पता करना है कि इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी और इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको हम लोग क्लारिफाई कर लेते हैं। ए रॉड इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस इफ पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी of rod and velocity of center of mass of rod। ठीक है, तो ये जो फिगर हमने पहले बनाया है ये है बिफोर कोलिजन, और ये जो फिगर है ये है आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं, साथ में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, क्योंकि पार्टिकल और रॉड सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनिशियली देखा जाए तो रॉड चल नहीं रहा है, सिर्फ ये पार्टिकल चल रहा है। तो पार्टिकल का मोमेंटम है m इंटू वी नॉट। ठीक, अच्छा, कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल तो रुक गया लेकिन ये रॉड चल रहा है, तो रॉड का मोमेंटम लिखेंगे। रॉड का मास बताया गया है 2m, रॉड का मास है 2m और इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो v आएगा वो आएगा v नॉट बाई 2। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो निकल गया, फिर अब क्या करेंगे, बाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखा जाए तो इनिशियली पार्टिकल चल रहा होगा, है ना, इनिशियली जो है सिर्फ ये पार्टिकल चल रहा है। तो इसका इस सेंटर के अबाउट जो होगा ट्रांसलेशनल मोशन में एम वी नॉट इंटू एल बाई टू, क्योंकि रॉड तो रोटेट नहीं कर रहा है इसलिए रॉड का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है इनिशियली। कोलिजन के बाद पार्टिकल रुक गया, है ना,
पार्टिकल रुक गया, लेकिन जो रॉड है वो रॉड रोटेट कर रहा है, साथ में ट्रांसलेट भी कर रहा है। ठीक, तो इस केस में जैसा कि हम जानते हैं ये जो रॉड है ये रॉड ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते थे पहले कि आई सी एम इंटू ओमेगा पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यहां पर एक्सिस जो है वो नीचे नहीं है, एक्सिस सेंटर से ही पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ही। तो ये जो पार्ट है एम वी आर जो होता है वो वाला पार्ट जीरो होगा, यानी कुल एंगुलर मोमेंटम आई सी एम इंटू ओमेगा होगा। तो आई सी एम रॉड के लिए रखेंगे, मास है 2m, m l स्क्वायर बाय 12, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा का जो वैल्यू आया वो आ गया 3v0 बाय l। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने एक तो लीनियर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाया, एक एंगुलर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाया, और दोनों से हमने इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कैलकुलेट कर लिया। यहां पर ये ओमेगा आ गया और ये वेलोसिटी आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमें एक रॉड दिया गया है जिसका अपर एंड यहां पर हिंज किया हुआ है, अपर एंड इज हिज्ड, और ये जो रॉड है इसका मास है m और इसका लेंथ है l। तो हमें एक फोर्स लगाना है यहां पर, या यूं कहें कि इम्पल्स देना है, है ना, छोटा सा इम्पल्स देना है एक फोर्स लगा करके, जिससे कि हिंज फोर्स जीरो रहे, है ना। तो सपोज ये जो फोर्स है वो सपोर्ट से एक्स हाइट नीचे लगाया गया, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट इफ इंपल्स is applied on rod such that hinge force remains zero ड्यूरिंग द इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लगता है, है ना। तो उस ड्यूरेशन में ये जो फोर्स है कोई टॉर्क लगाएगा, इस रॉड को एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, रोटेशन देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें ये पता करना है कि जो हिंज पॉइंट है वहां से कितना डिस्टेंस नीचे, यानी डिस्टेंस एक्स जो है, एक्स डिस्टेंस नीचे हम फोर्स लगाएं जिससे कि जो है हिंज फोर्स जीरो हो जाए। तो हमें ये एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करते हैं कि इस रॉड का रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉड। तो ये हो जाएगा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, हमने हिंज को एक्सिस मान लिया है, तो फोर्स का जो टॉर्क आएगा हिंज के अबाउट वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऐसे ही आएगा अल्फा। तो एफ एक्स इज हो गया टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज यानी कि रॉड का एक एंड के अबाउट
एम एल स्क्वायर बाई थ्री लेंगे, ठीक है। तो यहां से जो अल्फा का जो वैल्यू आया वो हो गया 3fx बाई एम एल स्क्वायर ना। अब हम देख सकते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा, है ना। अगर देखेंगे तो इसका जो सेंटर होगा इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा ए, है ना, इसका एक्सेलरेशन ए होगा। अच्छा, इस ए का जो वैल्यू आएगा वो होना चाहिए अल्फा इंटू एल बाई टू, इतना होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर चूंकि एक एफ फोर्स लग रहा है, चूंकि एफ फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो हिंज पॉइंट है वहां से एक्स डिस्टेंस नीचे, तो इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे बाय ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ रॉड। तो ये आएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मीन्स एम इंटू अल्फा इंटू एल बाई टू, एम एल बाई टू। अल्फा का जो वैल्यू जो है वो यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यह आएगा 3fx डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 2l बाई थ्री। तो इसमें हमने देखा कि यहां पर हिंज फोर्स है, यहां हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, है ना, यहां भी हमने कोई फोर्स जो है नहीं लगाया है, यानी हिंज फोर्स को हमने जीरो रखा है। यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स लगाया है, ये एफ, और ये एक्सेलरेशन लिया हमने। वो एक्सेलरेशन इसलिए कि अगर ये अल्फा से घूमेगा तो इस पॉइंट के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन ऐसे घूमेगा, तो अल्फा इंटू एल बाई टू होना चाहिए, ये एक्सिस से एल बाई टू डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो हमने यहां से एक रिजल्ट निकाला, ये बताता है कि रॉड का एक एंड है उससे 2l बाई थ्री डिस्टेंस नीचे अगर कोई इम्पल्स लगाया जाए तो उस केस में हिंज पर कोई फोर्स नहीं लगता। इस कॉन्सेप्ट का यूज क्रिकेट ग्राउंड में यूज किया जाता है, है ना। कैसे यूज किया जाता है ये हम देखते हैं। सपोज अपने पास एक क्रिकेट बैट दिया हुआ है ना, सपोज ये है बैट, और इस बैट को जो है ऊपर की तरफ यहां जो पॉइंट है इसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं यहां पर, और एक बॉल है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आकर के बैट से सपोज यहां पर टकराता है ना। तो ये जो पॉइंट है इस, ये अगर एक सॉफ्ट पॉइंट हुआ, इसको कहा जाता है सॉफ्ट पॉइंट। सॉफ्ट पॉइंट का मतलब है कि अगर ये बॉल यहां टकराएगा, एग्जैक्टली यहां पर टकराएगा, तो ये बैट हमारे हाथ पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यहां पर फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। अगर इस सॉफ्ट पॉइंट के आसपास बॉल कहीं टकराता है ना, पास में टकराएगा तो हमारे हाथ पर फोर्स लगेगा भी, तो बहुत कम फोर्स लगेगा, है ना। कम फोर्स लगने का मतलब है कि कम फोर्स लगा करके हम बॉल को ज्यादा दूर भेज सकते हैं, ज्यादा मोमेंटम चेंज कर सकते हैं उसका, है ना। तो ये अपने हाथ से सपोज एक्स डिस्टेंस नीचे जो है ये सॉफ्ट पॉइंट है। ये सॉफ्ट पॉइंट वैसे ही होगा जैसे इसमें देखें तो ये रॉड में हमने ये वाला एफ वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये एक्स कैलकुलेट किया था, तो एक तरह से ये सॉफ्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर फोर्स या इम्पल्स लगता है तो हिंज फोर्स जो है वो जीरो हो गया यहां पर, है ना। उसी तरह से इस क्रिकेट बैट में अगर ये जो बॉल है इस सॉफ्ट पॉइंट के आसपास
टकराएगा तो हमारे हाथ पर फोर्स जो है वो कम लगेगा, यानी कम फोर्स लगा करके जो है बॉल से बॉल को हम लोग बाउंड्री बाहर भेज सकते हैं, फोर मार सकते हैं, सिक्स मार सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। इस एक्स पॉइंट का जो वैल्यू है वो एक प्लेन रॉड के केस में, यूनिफॉर्म रॉड के केस में 12/3 होता है नीचे,